गर्भवती महिलाओं का, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए। और इसके लिए कोई कोई टेस्ट कराना है पहले से, नो, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। महिलाएं जो स्तनपान करा रही होती हैं उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए, जो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। प्रेग्नेंट वेमेन, एज यू आर अवेयर, लास्ट वीक गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वेमेन हैव बीन इशूड। दीज गाइडलाइंस हैव बीन कंक्लूडेड आफ्टर डीप डिस्कशन, इवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक डेटा, and it is, the scientific data is now totally in favor of pregnant women receiving vaccine. The two vaccines, the three vaccines that we have are entitled to be used in pregnant women. Isi upaksh mein main ye kehna chahunga ki ye kyun zaruri hai, ye khul ke baat aani chahiye, iske upar discourse badhna chahiye ki ye jo samuh hai garbhavati mahilaon ka, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है। ये याद रहे कि गर्भावस्था में कोविड का प्रकोप लगभग उतना ही होता है जैसे आम व्यक्तियों को होता है, उस उम्र में जैसे आम व्यक्तियों को होता है उतना ही होता है। लेकिन अगर कोविड का प्रकोप गर्भवती महिला में होता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। इट इज़ अ मोर सीरियस डिसीज़ in a pregnant woman, because at that stage the physiology of the lady is different. There are other complications of pregnancy that may be there, may not be there. Nonetheless, it's a different physiology. There's a different way in which the body is responding. It is about two lives. Do zindagiyan hain, ek zindagi nahi, do zindagiyan hain. Aur is situation mein virus ka prakop नॉर्मल व्यक्तियों की बजाय प्रेग्नेंट वेमन में ज़्यादा होता है, सीवियर इलनेस हो सकती है, इसलिए एक खास रीज़न है कि हम प्रेग्नेंट वेमन को वैक्सीन लगाएं। नंबर टू, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ जाती हैं अगर कोविड प्रेग्नेंट वुमन में होता है। प्री टर्म डिलीवरी, जन्म जो पूरे प्रेगनेंसी का पीरियड ना होके प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाना, जो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है जबकि बच्चा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है बाहर की दुनिया के लिए। सो प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म बर्थ का चांस, प्री टर्म लेबर का चांस बढ़ जाता है। उससे महिला को भी नुकसान हो सकता है और अगर प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं तो फिर उनकी अपनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन के आने से कोविड की सिचुएशन में प्रेग्नेंट वुमन में जब होता है तो ये एक और रिस्क हो गया, तो बच्चे को भी रिस्क हो गया, प्रेगनेंसी की एक नई कॉम्प्लिकेशन आ गई, सीवियर डिजीज़ आ गई। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि क्लियर है कि प्रेग्नेंट वेमेन शुड रिसीव वैक्सीन। इसको थोड़ा वक्त लगा ये रिकमेंडेशन बनने में, क्योंकि वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जैसे जैसे नॉलेज एकत्र हुआ उसके बाद ही ये रिकमेंडेशन करी जा रही है दुनिया भर में, और उसी तरह से अब रिकमेंडेशन आपके सामने हमारे देश के लिए आई है। तो मेरी विनती है सरकार की तरफ से कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, परिवार उनकी मदद करें, समाज उनको वैक्सीन की उपलब्धता जहां है उन सेंटर्स के साथ जोड़ें। और इसके लिए कोई कोई टेस्ट कराना है पहले से, नो, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जाइए अपना वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन्स आर सेफ, वैक्सीन्स आर इफ़ेक्टिव। और ये मुहिम हमारे देश में शुरू होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट वेमेन, गर्भवती महिलाएं भी उसी तरह से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीन्स को अपनाएं। इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमने पहले कहा है कि महिलाएं जो स्तनपान करा रही होती हैं उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं है उनको या उनके बेबी को, उनके बच्चे को। इसी प्रकार दोबारा कहना चाहेंगे, वैक्सीन कैन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नो प्रॉब्लम। फिर कहना चाहेंगे कि इन वैक्सीन्स का कोई भी रिस्क, इनफर्टिलिटी का, बांझपन का कोई रिस्क नहीं है। तो महिलाओं को एज अ फुल कम्युनिटी सब तरह से वैक्सीन को के समूह में आना है, वैक्सीन लगने हैं, वैक्सीन का टेकअप होना है। और जो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है पुरुषों और महिलाओं में, वैक्सीन थोड़ा सा कम मिला हुआ है, उस तरफ हमें पूर्ण करते हुए हर उम्र की महिलाओं को जो वयस्क हैं उनको टीके लगने चाहिए और उसमें हम सबको मदद करनी चाहिए।
ये मेरा आपसे निवेदन है।